अगर आप जी आध्यात्मिक भजन चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर ले और साइड में बेल आइकन भी दबाए ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही मिले। प्यार से कहिए धन निरंकार जी। प्यारी सत्संगत जी, प्यार से बोली धन निरंकार जी। आज का टॉपिक है, किसे खबर है कैसा होगा कल जो आने वाला है। प्यारी सत्संगत जी, अगले पल का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन इंसान कल के लिए बहुत कुछ इकट्ठा करता चला जाता है। कल की सोच ने इंसान को मार दिया कि मेरा कल क्या होगा, कि कल की टेंशन में इंसान डूबा रहता है। लेकिन यहाँ पर संपूर्ण हरदेव वाणी में सब संख्या 280 में सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी हमें समझा रहे हैं कि किसे खबर है कैसा होगा कल जो आने वाला है, इस दुनिया में क्या क्या हमको रंग दिखाने वाला है, कि जहां पर चहल पहल कर आज वहां वीराना है, कल हकीकत समझा जिसको आज बना अफसाना है, रह न सकेंगे जग में किसी के सब दिन एक समान कभी, धन दौलत ताकत यौवन का मत करना अभिमान कभी, हाथ है डोर विधाता के सब मिट्टी के खिलौने हैं, कहे हरदेव कि गोरे काले चाहे श्याम सलोने हैं। कि कोई नहीं जानता है अगले पल क्या होने वाला है, किसे खबर है कैसा होगा कल जो आने वाला है। आज तक कोई नहीं जान पाया कल के बारे में, तो संत महात्मा हमें समझाते हैं कि हमेशा वर्तमान में जीना है। और वर्तमान क्या है? वर्तमान ये हरि निरंकार जो हमेशा हमारे साथ रहता है। तो हमने आज अभी जीना है, इस पल को जीना है। अगर हम कल के बारे में सोचेंगे तो कल तो कभी आता ही नहीं है, जब भी होता है वो आज ही होता है। और इंसान अपने सपनों को कल में देखता है, कल मैं ये कर लूंगा, कल मैं वो कर लूंगा, तो ये कल हकीकत में कभी नहीं आता है। लेकिन इंसान कल की सोच में अपना आज का जो सुकून है वो खराब करता है। तो संतों ने यही समझाया है कि हमें आज जीना है, इस पल को जीना है, वर्तमान को जीना है। और वर्तमान ये परमपिता परमात्मा ईश्वर निरंकार है। इस दुनिया में क्या क्या हमको रंग दिखाने वाला है, कि संसार के जो रंग हैं ये बदलते रहते हैं, ये माया गिरगिट की तरह रंग बदलती है। माया रंग बिरंगी है, जो तेरा मन बहलाती है, पक्की बात समझ ले मेरी यह आती और जाती है। तो ये माया आती और जाती है, माया एक छाया है, हमेशा रंग बदलती है। तो दुनिया जो है, इस दुनिया में हमको बहुत से रंग देखने को मिलते हैं। थी जहां पर चहल पहल कर आज वहां वीराना है, कि जहां पर चहल पहल थी आज हम वहां वीराना देखते हैं। हम बड़े बड़े जो राजा महाराजाओं के किले हैं, हम कहीं उन किलों को जाकर देखें तो कभी किसी जमाने में वहां पर राजाओं का राजपाठ हुआ करता था, वहां पर चहल पहल थी, सब कुछ था। लेकिन आज वहां पर क्या है, खंडहर हो गए, बड़े बड़े किले खंडहर हो गए। और वहां पर अब क्या है, कीड़े मकोड़ों का, चमगादड़ों का राज हो गया। खंडहर में कौन रहेगा, कीड़े मकोड़े ही रहेंगे। तो वो जो किले आज वीरान हो गए, अब वहां पर कोई नहीं जाता है। तो एक समय वो था जब राजा महाराजा वहां पर राजपाट किया करते थे, माया की चकाचौंध थी। लेकिन आज वहां पर क्या है, वीराना। कल हकीकत समझा जिसको आज बना अफसाना है, कि कल उसे हम हकीकत मान रहे थे, यहां पर तो राजपाट है, बहुत कुछ है। लेकिन आज क्या है, आज तो कहानियां ही हम सुनाते हैं किताबों में, एक राजा था, एक रानी थी, वहां ऐसा था। तो हम कहानियां बहुत सुनाते हैं, किताबों में बहुत सारी कहानियां हैं, हम स्कूल में पढ़ते हैं। तो जो कभी हकीकत थी वो आज अफसाना एक कहानी बन गया, रह ना सकेंगे जग में किसी के सब दिन एक समान कभी।
कि हम ऐसा कुछ भी रहने वाला नहीं है। धन दौलत ताकत यौवन का मत करना अभिमान कभी, कि जो भी ये धन दौलत ताकत जवानी ये हमें प्राप्त हुई सब प्रभु की कृपा है, तो हमने कभी इसका अभिमान नहीं करना है। क्योंकि बड़े बड़े जो अभिमानी जिन्होंने अपने धन दौलत ताकत यौवन का अभिमान किया उनके बारे में हम जानते हैं, पढ़ते हैं। रावण की कहानी हम जानते हैं, रावण के बारे में हम पढ़ते हैं, रणकश्यप के बारे में पढ़ते हैं, कंस के बारे में पढ़ते हैं, सिकंदर के बारे में पढ़ते हैं। तो सबने अभिमान किया, तो जो भी अभिमान करता है तो उसका क्या हश्र होता है ये हम सब जानते हैं। तो हमने कभी भी इसका अभिमान नहीं करना है, ये सब प्रभु की कृपा है, जो भी मिला है परमात्मा की कृपा है। तो हमने हर पल शुक्राने के भाव में ही जीवन को बिताना है। हाथ है डोर विधाता के, सब मिट्टी के खिलौने हैं, गए हरदेव की गोरे काले चाहे श्याम सलोने हैं। हम सब की रिमोट कंट्रोल जीवन की डोर ये परमात्मा के हाथ में है। जैसा ही परमात्मा चाहेंगे वैसा ही होगा। सिया राम जोशित की नाई सबे नचावत राम गोसाई। कि जैसे हम वो कठपुतली का खेल देखते हैं, जो कठपुतली वाला होता है वो हाथ में डोर लेकर कठपुतलियों को नचाता है, तो इसी प्रकार हम सब की डोर इस निरंकार के हाथ में है, विधाता के हाथ में है। तो जैसे जैसे ये परमात्मा हमें नचाते हैं वैसा वैसा हम नाचते हैं। तो जीवन में जो भी हो रहा है ये प्रभु की कृपा से हो रहा है, परमात्मा की मर्जी से हो रहा है, इस बात को हमने एक्सेप्ट कर लेना है। कई हरदेव की गोरे काले चाहे श्याम सलोने हैं, चाहे किसी का रंग गोरा है काला है सांवला सलोना है, सबकी डोर विधाता के हाथ में है, सब इस परमात्मा के बनाए बंदे हैं। तो हमने करना क्या है, हमने आज जीना है, अभी जीना है, इस पल को जीना है। क्योंकि आज ही ये जो वर्तमान है जिस पल में अभी हम जी रहे हैं, तो इस पल को ही परमात्मा के साथ जोड़ के रखना है। इसीलिए संतों ने कहा है कि श्वास श्वास सिमरो गोविंद मन अंतर की उतरे चिंत, तजो सब ब्रह्म भजो पार ब्रह्म कहे नानक अटल्य धर्म। मृतक जानिए नानका जिन प्रीत नहीं भगवान, जिनको परमेश्वर से प्रेम नहीं है तो वो मृतक के समान है। कल का कोई भरोसा नहीं है, अभी ये जो पल मिले हैं जो वर्तमान है इसको परमात्मा की भक्ति में लगा लो, परमात्मा के ध्यान से जोड़ दो, इसका सिमरन करो। यही बात संत महात्मा हमेशा समझाते हुए चले आए हैं कि किसे खबर है कैसा होगा कल जो आने वाला है। प्यारी प्यारी सत्संगत जी, प्यार से बोले धन्यवाद जी।